मम्मी हाथ भी ला दे जनता गर्म है तो फ्रेंड्स साहब हम पहुंच गए हैं सौरभ वन विहार और मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। अबू आया पहले तो ये हमें थोड़ा गाइडेंस कर रहा है तो मैं मम्मी पापा तो पहली बार आए हैं, हमने इतने पास रह के भी पहली बार आए हैं यहाँ पर और अब देखते हैं यहाँ पर और आपको भी दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ से ना व्यू बहुत अच्छा है, देखो बर्फ के पहाड़ कितने सुंदर दिख रहे हैं और साथ में ये न्यूगल खड बहती हुई देखो। अबू हमें गाइड कर रहा है कि यहाँ पर ये है वहाँ है पैदल जाओ और न्यूगल खड से बहते हुए पत्थर देखो कितने बड़े बड़े पत्थर साइड में रखे हुए हैं। सौरभ वन विहार में आ गए हैं और यहाँ पर देखो पार्क देखो आर्मी मैन बनाए हुए हैं यहाँ पर। आप गर्मी में घूमने आ सकते हैं क्योंकि ये नेचर पार्क है और ठंडा ठंडा मौसम रहता है। पालमपुर से 4 किलोमीटर आगे है ये देखो आर्मी मैन बने हुए, ये है शहीद कैप्टन सौरभ कालिया। ये कारगिल की लड़ाई में शहीद हो गए थे, इन्हीं के नाम पर ये पूरा सौरभ वन विहार वन बना है इनकी याद में। और फ्रेंड्स मैं तो पहली बार आई हूँ, मम्मी पहली बार आए हैं। मम्मी तेरा लगा तो है मम्मी को ना थोड़ा काम ही पसंद है ये जंगल देखना, मम्मी को मार्केट चाहिए शॉपिंग वाली मार्केट जहाँ पे शॉपिंग हो सके तो मतलब चीजें ले सके बैग भरी भरी करी गए ले जा घूमने आ जाएगा जगह के पसंद कर विशाल बैग मार सी यार बढ़िया भी पार्क भी है। अब वो पार्क भी दिखा, हम तो पहली बार आए तो पार्क तो देख लेंगे ना। यहाँ पर फ्रेंड्स हम झूला झूल सकते हैं, कमांडो नेट भी है बढ़िया नहीं बैठी है ना बैठो नहीं है बढ़िया मी फिसलन टाइप बैठी जाता बच्चों के झूले में हम भी थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं। मम्मी झूल रहे हैं बढ़िया मम्मी पूरी तैयारी है लंबे झूठ लाने मुंह डापड़ा देखो तेरी पाई चल रही तो तेरी आवड़ी में पर देला दा यार रैन साहब भी पता कि वो मम्मी गिर गए थे, मम्मी फिसल गए थे आदा थे छड्डी झूल जाते अति तेज तो ना झूलना है ऐसे छड्डी के झूलने क्या है ये तो थोड़ी सी टेढ़ी सी सीट है टेढ़ी नहीं और संगल मुड़ी आ जरा कर यो दीप संगल मुड़े पीछे दे लग यो यो चलो यो यो हेलो अब बोले पे एक्सरसाइज करना पड़ेगा वो भी है हेलो लटकी जा बांदरा हाई टोपी पहिए के ना वो भी है वो भी कर ले ओ जा ए नहीं आई छोटे बच्चे फ्रेंड्स ये है सौरभ वन विहार की अंदर बोटिंग पॉइंट भी है यहाँ पर और ना ये वन चाहिए ये है चील के पेड़ और पत्थर बड़े बड़े पत्थर है ये तो चलो आगे दिखाते हैं जा अबू नोई ले जाई करी जा मैं यहाँ हाँ पानी तो गहरा होना ये झील
बोटिंग पॉइंट, यहाँ पर ना न्यूगल खड का पानी आता है और इसी में ये बोटिंग पॉइंट बनाया हुआ, फिर ये पानी इधर चला जाता है। अब हम सोच रहे हैं कि बोटिंग करें, लेकिन मम्मी मना कर रहे हैं, मम्मी डरते बहुत है। तो मैं अबू की बोटिंग करने वाले हैं, पापा का पता नहीं। हाँ बोटिंग से बैठी है अबू मारा ना पैडल, कल मम्मी पापा बैठे, मम्मी बड़े डरा थे ना। कितने कोशिश कर लिया नीट भी दी डायरेक्शन मिली होनी हो ले चल जरने वाली या तो सीधे ही जरने वाली जरने वाली चल बोटिंग करने का मजा आ रहा है जोर हो ये पैर चलाना हां मेरा मन कर रहा है आए मोड़ता है इस बात से मिल जाएगी रोटी मिल जाएगी वो बाएं कर ये तो बिल्कुल ही वो तो बोल रहा है पुलिस मुख्य बोल वो तो ही है ये गड्ढा डाले मम्मी हाथ इं ला जनता गर्म है तीन बंदे बैठी हम बोटिंग करके आ गए, मम्मी को तो लगा अब डर, मम्मी कदे लगा तो फिर जमीन पर उतर के कदे लगा बोटिंग च बैठना, बड़ा अच्छा मम्मी बोल रहे हैं, डर भी लग रहा था और मम्मी बोल रहे थे कि ऐसे ही पैसे वसूल का काम है, बस बैठे रहो इसमें और चक्कर लगाते रहो, लेकिन कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस तो लेना चाहिए ना सभी चीज़ों का। अबू ने किया एंजॉय, अबू ये तो बोटिंग चला पैडल मारी मारी तो नक संगड़ हो गया। फ्रेंड्स इतों जोल भी मिलती है, अबू पीनी है नहीं पीनी ब्रिज जिस पर सारे फोटो खींचे खींचे ना चल पाया फ्रेंड्स हम पालनपुर मार्केट पहुंच गए हैं, हमें दो बज गए हैं और हमें लगने लगी पड़ी है अब बहुत जोर से भूख, तो पहले हम खाना खा लेते हैं। किसी ने नान ऑर्डर किया, किसी ने तंदूरी रोटी ऑर्डर की और साथ में सब्जी दाल। खाना खा के हम सीधा उस विशाल मेगा मार्ट में आ गए हैं, अब यहाँ पर हम शॉपिंग करेंगे, देखते हैं तो क्या क्या शॉपिंग होती है। हाँ
ये है गुरुद्वारा रोड जहाँ पर हम आगे यहाँ पर घूम रहे हैं अब, और ये है शान हिमाचल की क्लॉथ हाउस शॉप। फ्रेंड्स शॉपिंग कर ली थोड़ी बहुत और अब हम जा रहे हैं घर, और मम्मी ने ना सब्जी ली है क्या ही चपड़ कद्दू। और फ्रेंड्स मम्मी ने ये सब्जी ली और मम्मी इसको बोल रहे हैं चपड़ कद्दू, मुझे नहीं पता इसका एग्जैक्ट नाम क्या है। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं घर, और फ्रेंड्स अब ने देखो ये क्या खरीदा है, स्टिंग पता नहीं क्या स्टिंग स्टिंग लेके आया है, तो मैं भी पहली बार टेस्ट करूँगी। ये बोल रहा है बहुत टेस्टी होती है, बहुत टेस्टी होती है स्टिंग स्टिंग। मम्मी को तो पहले समझ नहीं आया कि क्या बोल रहा है ये, मतलब हमें टेस्टी लगेगी इसको, हर चीज टेस्टी लगती है तो मैंने भी ले ली। इसके इसका जो टेस्ट है ना पता किस किधर आ रहा है, जो खांसी की दवाई होती है ना उसकी तरह से आ रहा है पीछे से। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, ये ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म होता है। और अब और आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना, तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को करना सब्सक्राइब। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आपको, बस अब शादी के ब्लॉग मिलेंगे वहीं पर मिलेंगे आपको।